कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ उपयोगी प्रश्न हैं आपके लिए, एक नंबर के। आप इन्हें अच्छे से देखेंगे और याद करेंगे। तो ये छोटे छोटे एक नंबर के प्रश्न, पहला है आपका सामाजिक विज्ञान निर्धनता। निर्धनता वाले पाठ से आपके थोड़े से परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर है। तो 2011 और 2012 में निर्धनता रेखा से, जो निर्धनता रेखा है उससे नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत था। तो 2011 और 12 में जो निर्धनता की रेखा है उससे नीचे का प्रतिशत था। तो आपके लिए ऑप्शंस दिए हैं, एक पहला है 22, दूसरा है 24 और तीसरा है 26 और चौथा है 28। तो आपका पहले वाले 11-12 में निर्धनता रेखा की जनसंख्या का प्रतिशत था था 37.7, 30.0, तीसरा है 28.5 और चौथा है 24.5। तो मध्य प्रदेश में निर्धनता रेखा को नीचे करने का प्रतिशत था कितना था वो आपको बताऊं, 31.7। वो जो मध्य प्रदेश में निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, 37.7 था। भारत में सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, वो भारत में सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य था कौन सा है, मेघालय है, दूसरा ऑप्शन है इसका असम, तीसरा है बिहार और चौथा है मध्य प्रदेश। तो आपको सर्वाधिक गरीब वाला देश है बिहार, कौन सा देश है यहाँ पर सबसे ज्यादा गरीबी है, कौन सा सर्वाधिक गरीबी वाला राज्य कौन सा है, वह है बिहार। फिर है ग्रामीण भारत में निवास कर रहे व्यक्तियों की निर्धनता कहा जाएगा यदि इनकी दैनिक कैलोरी उपभोग निम्नलिखित में से है। मैंने कैलोरी ग्रामीण और शहरी दोनों कैलोरी के बारे में आपको दैनिक कैलोरी कैसे उपयोग करनी है। तो भारत में ग्रामीण निवास कर रहे हैं जो व्यक्ति उनकी निर्धनता कहा, तो वह कितनी दैनिक कैलोरी का उपभोग निम्नलिखित में से कम है, तो 2600 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2500 कैलोरी या 2800 कैलोरी। तो आपका जो ऑप्शन है तीसरा वाला वह क्या है, 2400 कैलोरी इसका ऑप्शन है आपका। चौथे का आपको बताऊं, इसमें 2400 कैलोरी जो है वह ग्रामीण भारत में निवास कर रहे लोग एक व्यक्ति को निर्धन कहा जाएगा, इसका दैनिक कैलोरी उपभोग कितना होता है निम्नलिखित में से कम कितना होता है, 2400 कैलोरी होता। तो इसके बाद है भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में जो गरीबी रेखा का आकलन है वह किसके अंदर, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा या राष्ट्रीय सर्वेक्षण संस्था संगठन के द्वारा या वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो जो भारत में गरीबी रेखा है उसको मापने का जो है वह है राष्ट्रीय रिजर्व बैंक द्वारा, तो नोट छपते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को उसके लिए अलग है। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन। तो ये आपका क्या है, जनसंख्या का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है। फिर है प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ हुई, मतलब प्रधानमंत्री की रोजगार जो योजना है वह कब प्रारंभ हुई, तो सन 1993 में, सन 1995 में या 1997 में या 2000 में। तो जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना हुई कब प्रारंभ हुई, वो 1993 में प्रारंभ हुई। प्रधानमंत्री ने एक योजना प्रारंभ की थी रोजगार के लिए, वह कब प्रारंभ हुई, 1993। फिर है मनरेगा। मनरेगा में कम से कम कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, मनरेगा
ये क्या है मनरेगा एक जो है इस योजना को का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित रखने के लिए घर घर में जो मनरेगा का कार्यक्रम चलाया गया है उसमें घर घर में रोजगार मजदूरी रोजगार को कम करके ये 100 दिनों के लिए उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इसमें इसके अंतर्गत इससे सतत विकास में मदद मिलती है, इससे कटाई सूखा मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से भी क्या कर सकते हैं बचा जा सकता है और इसे एक तिहाई रोजगार महिलाओं के लिए क्या करे हैं सुरक्षित रखने जो मनरेगा जो योजना है रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, तो इसमें जो एक तिहाई जो रोजगार है वो महिलाओं के लिए क्या है सुरक्षित है और इसे 2000 के विभिन्न इसमें मैचुअल श्रमिक के लिए जो मजदूरी दर क्या की गई है संशोधित की गई है उनको 200 उनको मतलब इनका पर डे का जो मानदेय है मतलब या जो भी पारिश्रमिक है वो इनको सरकार द्वारा किया जा क्या किया जाता है निर्धारित किया जाता है। तो मनरेगा में कम से कम कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है तो उसमें आएगा 25 दिन का 50 दिन का 75 दिन का या 100 दिन का। तो मनरेगा में 100 दिन का क्या कराया जाता है रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। और इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वास्तव में देश का हर व्यक्ति खाली स्थान व्यक्ति निर्धन है, मतलब जो देश का हर व्यक्ति हर चौथा व्यक्ति तो वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति क्या है हर चौथा व्यक्ति क्या है निर्धन है। वर्ष 2011 में मोटे तौर पर खालिस्तान करोड़ों लोग निर्धनता से जीते तो कितने प्रतिशत कितने करोड़ लोग 2011-12 में मोटे तौर पर अगर कहा जाए देखा जाए तो 27 करोड़ लोग निर्धनता से क्या हुए जीते। भारत में स्वीकृत करने की आवश्यकता नगरी क्षेत्रों में खाली स्थान प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है तो भारत में जो कैलोरी स्वीकृत की गई है नगरी क्षेत्रों में वह कितनी है 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति यहाँ पर क्या होती है आपको क्या बताऊं स्वीकृत की गई है। फिर है 2011-12 में किसी व्यक्ति को निर्धनता रेखा निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में खाली स्थान प्रतिमा है तो जो 11-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का जो निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में उनको कितने रुपए प्रतिमा मतलब जो उनको दिया जाता है व्यक्ति दिया जाता है 816 ग्रामीण क्षेत्रों में उनको 816 रुपए प्रतिमाह। हाँ फिर चीन में निर्धनता की संख्या 1981 में 88.3% से घटकर वर्ष 2015 में कितनी रह गई तो कितनी रह गई वहां पर जो 2015 में 0.7% यहाँ पर क्या रह गई बेरोजगारी या निर्धनता रह गई। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके नए सतत विकास के लक्ष्य को वर्ष में खाली स्थान तक सभी प्रकार की गरीबी रेखा का वास्तव में मतलब जो वहाँ की गरीबी रेखा है वहाँ पर खत्म करने का प्रस्ताव क्या था वहाँ पर मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में जो गरीबी खत्म करने का वर्ष है वह कौन सा है 2030 तक वहाँ पर क्या हो जाएगी निर्धनता एकदम से क्या गरीबी बिल्कुल क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी। तो ये संयुक्त राष्ट्र ने एक योजना सतत विकास में अपना उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक में वह अपने तब राष्ट्र से गरीबी को क्या कर देंगे खत्म करने का प्रस्ताव उनका है। ये परीक्षा की दृष्टि से आपके एक एक नंबर के क्या है ये प्रश्न है आप इनको याद करोगे। फिर है सत्य असत्य बताइए तो
गया है। भारत में जनसंख्या वृद्धि गरीबी को बढ़ाती है। जनसंख्या वृद्धि जो है, जनसंख्या वृद्धि गरीबी को बढ़ाती है। तो ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि होगी तो क्या होगी, गरीबी बढ़ेगी। तो ये क्या है, इसका आंसर है सत्य। फिर भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है। अभी मैंने आपको बताया कि भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है, बिहार। तो ये ऑप्शन क्या हुआ, भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, ये क्या होगा, असत्य। क्या है, असत्य। फिर है रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 5 किलो अनाज एवं न्यूनतम 20% मजदूरी दी जाती है। मतलब जो रोजगार गारंटी अधिनियम है उसके अंतर्गत आपको 5 किलो अनाज व न्यूनतम 20% मजदूरी दी जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होगा फिर, इसका ऑप्शन है असत्य। तो ये आपका हो गया असत्य। वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण क्षेत्रों में 100 रुपए प्रति माह किया गया है। ये भी क्या है, आपको 2011-12 में किसी व्यक्ति की जो निर्धनता है उसके लिए कितना, शहरी क्षेत्रों में आपको प्रति माह कितना रखा गया है, 100 रुपए प्रति माह। ये क्या है, ये भी सत्य है। निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और क्या करता है, ये कृषि पर क्या रहते हैं, आधारित। तो आप देखो जो भारत के छोटे इलाके में या गांव में जो लोग रहते हैं वे काय पर मतलब आश्रित रहते हैं, कृषि पर। तो निर्धन लोग का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और वे काय पर आश्रित रहते हैं, निर्धनता के लिए हो गया सर। फिर भारतवर्ष में अर्थव्यवस्था का मूलतः कृषि पर आधारित है। मतलब हाँ ना, भारतवर्ष की जो अर्थव्यवस्था है वह काय पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। तो ये भी आपका एक सत्य, अपना देश कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है। तो ये आपके एक एक नंबर की सत्य सत्य हो गए। उसके बाद है सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाइए के लिए आपको भारत में मतलब सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, वो जो भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है, बिहार। उसका पहला ऑप्शन हो गया भारत। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुई, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में क्या हुई, शुरू हुई। ग्रामीण स्वराज संघ मतलब जो ग्रामीण स्वराज सर्जन है कार्यक्रम है, तो वह कब शुरू हुआ, तो जो ग्रामीण कार्यक्रम रोजगार है वह कब प्रारंभ हुआ, वह 1995 में क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। फिर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, वो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब प्रारंभ हुई, तो प्रारंभ हो ग्रामों में अधिक से अधिक काम हो उसके लिए प्रधानमंत्री ने योजना लागू की। मैं कब लागू की, 2000 में लागू की। फिर दूसरे स्थान पर गरीबी जनसंख्या वाला राज्य, पहले स्थान पर कौन है, बिहार। दूसरे स्थान पर जो गरीब राज्य है वह है उड़ीसा। कौन सा है, उड़ीसा। फिर है इसके बाद एक वाक्य में उत्तर दीजिए या एक शब्द में
उत्तर दीजिए। तो निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं के लिए वर्तमान सूत्र किस वांछित आवश्यकताओं पर आधारित होता है? जो निर्धनता रेखा है उसका आकलन करने के लिए जो खाद्य आवश्यकताओं के लिए वर्तमान में, मतलब जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काय की आवश्यकता होती है कैलोरी पर, तो उसका आंसर है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैलोरी की आवश्यकता होती है। भारत में निर्धनता का अनुपात 93-94 में कितना प्रतिशत था? तो भारत में जो निर्धनता का अनुपात था 1993-94 में कितना था, वह था 45%। तो इसका आंसर होगा 45%। कितना था? 45%। फिर 2004-05 में निर्धनता की जनसंख्या कितनी थी? तो 40.7 करोड़ थी। कितनी थी 2004-05 में निर्धनता की जनसंख्या? की जनसंख्या कितनी थी? वह थी 40.7 करोड़। फिर है अनुसूचित जनजाति के लिए 100 में से कितने लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं? तो अनुसूचित जातियों के जो हैं उनमें 100 में से कितने लोग हैं जो मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं? तो कितने लोग हैं? ऐसे 43 लोग हैं जो अपनी आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूरा करने में बिल्कुल से असमर्थ हैं। तो इसका आंसर हो गया 43 लोग। केरल में, मतलब केरल के किस संसाधन के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है? केरल राज्य है, उसमें किस संसाधन के विकास के लिए अधिक ध्यान दिया गया है? वो जो केरल में वहां पर, तो उसके उसका आंसर है मानव संसाधन। मानव द्वारा जो संसाधन है उनके विकास के लिए क्या किया गया है, अधिक अनाज योजना कार्यक्रम किस वर्ष में इसको क्या किया गया, लागू किया गया? तो इसका आंसर है 2004 में किस योजना को क्या किया, लागू किया गया। फिर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? मतलब जो स्वर्ण जयंती है वह, मतलब ग्राम रोजगार योजना, इसमें स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के अंतर्गत आपको जो ग्रामों में रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ वह किस वर्ष में हुआ? तो ये इसका वर्ष है 1999 में इस योजना को क्या किया गया, इस वर्ष में क्या किया, इस वर्ष में आरंभ किया गया। तो ये परीक्षा की दृष्टि से आपके एक एक नंबर के प्रश्न थे बच्चों, आपको इसको पढ़ना है और याद करना है। धन्यवाद।